के कस्टमर्स नहीं है, तो कहाँ से है आपको कंफ्यूजन रहेगा? ये डर, ये जजमेंट के डर से ही रिलायंस वालों ने हर चीज में अपना एस्टैब्लिश करने लग गए हैं। आप इन्वेस्टमेंट दिखाइए, उन्होंने कोर्ट ने बारबी को पूछा कि आप होटल बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, ऐसे आप एस्टैब्लिश कीजिए। कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कि मैं एक फलाना बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ? एक बिजनेस करने के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ता है, उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है, प्री प्लानिंग कुछ करना पड़ता है। ऐसे 1 रुपया आप इन्वेस्टमेंट दे नहीं दिखा पाए तो आप एक अलग, एक कोई और कोई सीखो। ऐसे नाम जो जनरली दुनिया जानता है, रिलायंस दुनिया जान दुनिया, हम लोग रेगुलर में बात करते हैं रिलायंस रिलायंस। आपको मेरे ऊपर रिलायंस है? नहीं यार, आई रिलाई अपॉन यू, है ना? नॉर्मली हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, तो इसमें स्पेशल क्या है? इस डर से रिलायंस वाला अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर दिया था बाकी सब इन एवरी फील्ड। सो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में जा रही हूँ, ये आपका ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन, थोड़ा सा कॉपीराइट के बारे में बताती हूँ। ट्रेडमार्क में वो ऊपर का, सर एक मिनट पीछे जाइए, वो ऊपर का वो छोटा सा आदमी किस ट्रेडमार्क का है? इंडियन एयरलाइंस के जो एशियन पेंट्स। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, क्या हो?